हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज मैं टेरेस पे आई थी पानी डालने सुबह के टाइम, तो मौसम बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुहाना है। पूरे में बादल लगे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्लावर भी बहुत ज़्यादा कनेर के खिले हैं, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ। दोस्तों, ये कनेर है, इसकी दो वैरायटी आती हैं, एक देसी एक हाइब्रिड। और दोस्तों, ये जो बिगनर होते हैं, जो गार्डन की शुरुआत करते हैं, उनके लिए ये प्लांट बहुत ही अच्छा है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसे परमानेंट प्लांट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 महीने छोड़ के बराबर फ्लावरिंग होती है और बहुत ही हार्डी है। इसके आप मिट्टी कैसे भी बना लो, फर्टिलाइज़र दो या ना दो, और इसमें पानी अगर आप 2-3 दिन नहीं भी देते हैं फिर भी कोई बात नहीं, ये अपने ऐसे ही खुश रहता है, बहुत ही खुश रहता है। अगर आप कुछ दे दो फिर भी ये खुश रहेगा, नहीं देते हो तब भी ये खुश रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी ये प्लांट मर जाए, सर्वाइव ना कर पाए। ये मैंने कटिंग लगाई हुई थी दोस्तों, ये मैं रोड साइड से लेके आई थी, तभी इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। इसमें फ्लावरिंग देखिए, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है दोस्तों। इसमें गुच्छे गुच्छे पूरा पंच आते हैं, और बस नीचे फूल ये गिरते रहते, ऊपर से कलियाँ आती रहती हैं, तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, मौसम बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी मिट्टी की। तो मिट्टी आप इसकी मिट्टी ले लीजिए, और उसमें आधी मिट्टी आधी खाद ले लीजिए। आपका मन हो तो थोड़ा 2-4 मुट्ठी आप सैंड इसमें ऐड कर सकते हैं, करना चाहो तो सैंड ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करते हैं तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसकी मिट्टी थोड़ी सख्त होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा रोड साइड पर ये बहुत लगे रहते हैं, ये कनेर हो गया, बोगनविलिया हो गया, बहुत लगे रहते हैं। जो ये मुझे लग रहा है जो ये पॉल्यूशन होता है रोड साइड पे, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, गाड़ियाँ निकलती हैं, या कह सकते हैं जो ख़राब ऑक्सीजन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सभी को ये ऑब्जॉर्व कर लेता है, या कह सकते हैं सभी को ये कील कर देता है। और इसलिए शायद रोड पे ये बहुत कनेर लगाए जाते हैं, और ये हार्डी भी है। अगर रोड पे डेली पानी तो पड़ता नहीं है, फिर भी ये बहुत खुश रहते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा रोड साइड पे कितनी फ्लावरिंग होती है, ना पानी ना फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं, और ये ऐसे ही खुश रहते हैं और फूल देते रहते हैं। तो ये बिगनर के लिए तो बहुत ही अच्छा प्लांट है दोस्तों। तो मैं बात कर रही थी इसकी मिट्टी की। तो मिट्टी में आप आधी मिट्टी आधी खाद, आपका मन हो तो थोड़ी सी 3-4 मुट्ठी आप सैंड मिला लीजिए, बस इसकी मिट्टी तैयार। क्योंकि इसकी मिट्टी ज़्यादा भुरभुरी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए। अगर आप चाहो तो इसमें, अगर आपके पास नीम ऑयल नीम खली है तो वो आप थोड़ी सी इसमें डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस प्रकार आप इसकी मिट्टी बना सकते हैं। और एक बात और दोस्तों, जब भी आप इसे लगाएं तो कम से कम 10 इंच का तो गमला होना चाहिए, मतलब बहुत छोटे से पॉट में नहीं लगाइए। 10 इंच 12 इंच 15 इंच 16 इंच 18 इंच ऐसे लगाइए, मतलब थोड़ी कोशिश कीजिए कि थोड़े से बड़े पॉट में लगाएं। 10 इंच में तो लगाइए, 10 इंच में रिजल्ट अच्छा आ जाता है। उसके बाद आपके पास जो भी बड़ा पॉट अवेलेबल हो आप उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि फिर इसमें प्लांट ये थोड़ा अच्छे से हेल्थी रहता है और फ्लावरिंग और ज़्यादा अच्छे से रहती है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा बड़ा पॉट ही लीजिए। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो आप जब विंटर का टाइम ख़त्म होने वाला होता है, तब आप इसकी मिट्टी में आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या फिर सरसों की खली आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डोरमेंसी से निकलने के बाद जो है इसमें फ्लावरिंग मार्च अप्रैल से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, और वही टाइम है आप इसमें खाद जो भी आप फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं आप दे दीजिए अच्छे से। और इसको हम भूसी कैसे बनाएं, इसको घना कैसे बनाएं? तो दोस्तों, जब ये विंटर में डोरमेंसी में चला जाता है उसी टाइम हमें क्या करना है,
फरवरी के टाइम, फरवरी नहीं सॉरी, जब विंटर स्टार्ट होने वाले होते हैं उसी टाइम ये डोरमेंसी में जाते हैं। तो आप सितंबर अक्टूबर में इसमें आप प्रूनिंग कर लीजिए। ये देखिए, आप ऐसे कट करेंगे तो दो ब्रांच निकलेंगी, दो नहीं तीन निकलती हैं, और फिर इसके ऊपर से आप कट करेंगे फिर ऊपर से तीन निकलती हैं। इस प्रकार ये बहुत ही घना होता चला जाता है, और जितना ज़्यादा घना होगा उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो इसकी साल में एक बार प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ये देखिए, मेरी नीचे से एक ही ब्रांच निकली है, निकली, मैंने इसमें दो तीन बार कटिंग कर दी है। अब ये गर्मियों के बाद जब इसमें फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी, विंटर स्टार्ट होने वाले होंगे, उसी टाइम मैं इसकी फिर से प्रूनिंग कर दूँगी। तो ये और घना होता जाएगा और फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, पूरा गुच्छे भर भर के इसमें फ्लावरिंग होती है। और पानी की बात करते हैं दोस्तों, तो विंटर में तो बहुत कम पानी चाहिए इसे, और गर्मियों में आप इसे, हाँ, एक दिन छोड़ के आप इसे देते रहिए पानी, क्योंकि इसकी मिट्टी हल्की सी गीली रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और एक बात और दोस्तों, ये प्लांट थोड़ा सा जहरीला होता है, क्योंकि इसको जब हम कट करते हैं तो देखा होगा वाइट कलर का लिक्विड सा निकलता है। तो आप जब भी इसका काम करें तो आप ग्लव्स पहन लें, या फिर जब भी इसे प्लांट की कटिंग करते हैं उसके बाद, मतलब हाथ मुंह में नहीं लगना चाहिए, उसके बाद आप साबुन से इसका हाथ धुल लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, कोई मतलब डर की बात नहीं रहती है। और लेकिन फ्लावरिंग के चक्कर में इसे सभी लोग इसे लगाते हैं। इसकी जो, ये मैंने रोड साइड से लिया हुआ है दोस्तों, तो ये देखिए इसकी हाइट 5 फुट से ज़्यादा हो गई है। ये शायद देसी वैरायटी है, इसकी ड्रॉप वैरायटी भी आती है जो नर्सरी में आसानी से मिल जाती है, वो छोटे होते हैं। और फ्लावरिंग दोस्तों दोनों में ही बहुत होती है, भर भर के होती है। और इसकी फ्लावरिंग कह सकते हैं कि मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है और सितंबर अक्टूबर तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। बस इसमें मुश्किल से 3 महीने या 4 महीने फ्लावरिंग नहीं होती है, बाकी टाइम इसमें भर भर के फ्लावरिंग होती है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। बस इसे जो आप लोग भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लांट है इसे, कह सकते हैं बहुत ही हार्डी प्लांट है, जो मतलब फ्लावरिंग भी हमें बहुत देता है और इसकी केयर भी बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप इसे कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं, मैं अभी दिखाऊंगी कटिंग। मैंने ये वाइट कलर, एक क्रीम कलर का है, इसके मैंने कटिंग लगाई हुई है दोस्तों, जो मैंने पिंक कलर की है, वो मैंने भरी गर्मी में लगाई थी, 3-4 कटिंग लगाई थी मैंने, लगा दी थी जब बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी, और लेकिन फिर भी उसमें 2 कटिंग चल गई हैं, मैंने छाया में रखा हुआ था, 2 कटिंग बहुत अच्छे से चल गई हैं, और लग रहा है कि उसमें इसी साल फ्लावरिंग भी हो जाएगी, क्योंकि उसकी हाइट बहुत अच्छी होगी, मैं लास्ट में दिखा दूँगी, बहुत ही अच्छी उसकी ग्रोथ हो रही है दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्लांट है, फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, तो इसे आप भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। मैं अब अपनी कटिंग दिखाती हूँ दोस्तों। दोस्तों ये है जो मैं कटिंग बता रही थी, ये उसका अपडेट है, ये देखिए। मैंने 3 कटिंग लगाई थी, जो बहुत तेज़ गर्मी थी उसी टाइम मैंने लगाई थी, लेकिन एक चल गई, 2 तो सूख गई है, एक ये देखिए यहाँ से इसमें कितनी सारी ब्रांचेस निकली थी। ये मॉर्निंग ग्लोरी ने, ये मैं हटाऊंगी नहीं तो ये फिर सूख जाएगा। और ये देखिए, ये इसी बार गर्मी में मैंने लगाया था और ये कितना बड़ा हो गया, लग रहा है इस बार फ्लावरिंग हो जाएगी। 2-3 महीने का हो गया, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है दोस्तों। और इसी डिब्बे में मैंने इसे लगाया था, इस साल तो इसी में चल जाएगा, अगले साल इसे रिपोर्ट करूँगी। यही मुझे अपडेट दिखाना था। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय दोस्तों।